रंग भरी होली का पर्व पर श्री श्री बाबा मुक्तेश्वरनाथ महादेव सिद्धपीठ राजघाट में लोगों ने जमकर होली खेली। रंग भरी एकादशी महोत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष इकट्ठा हुए। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद उन्हें महिलाओं ने रंग अबीर और गुलाल लगाया। इसके बाद आपस में खूब होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के प्रधान पुजारी और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, रंग भरी एकादशी महोत्सव मनाया जा रहा है। यह रंग भरी एकादशी महोत्सव हम लोग जब फागुन का शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान बाबा भोले बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के दरबार में भगवान को विधिवत ढंग से श्रृंगार करने के बाद, पूजन करने के बाद और भगवान को ठंडई चढ़ाया जाता है और उसके बाद से भगवान की आरती होती है, पूजन होता है। भगवान का, शिव का, माता पार्वती जी का, नंदी भगवान का, श्रृंगी भगवान का, सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद से हम लोग एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और अबीर लगाने के बाद से ठंडई ग्रहण करते हैं। उसके बाद ही होली महोत्सव मनाते हैं। सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वर नाथ की इस पीठ पे विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रंग भरी एकादशी के दिन पहले बाबा का पूजन होता है, फिर उन्हें अबीर गुलाल चढ़ता है और वही प्रसाद स्वरूप सभी भक्तजनों के ऊपर चढ़ता है। उसके बाद यहाँ ठंडई पिया जाता है और लंगर भी चलता है। ये विगत कई वर्षों को आज तक चलता रहा है। बहुत खुशी होती है, बाबा से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि सभी के सब परिवार कुशल मंगल रखे। कोरोना जैसी महामारी दोबारा इस विश्व में लौट के ना आए, क्योंकि अभी बहुत ही जगह कोरोना सुनाई भी दे रहा है। पिछले होली में भी बड़ी सन्नाटा हो गया था। एक आग्रह आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस से कि होली ऐसा त्यौहार जो बहुत पवित्र त्यौहार है, उसमें बहु बेटियां निकलना अपने घर से अपने को शर्मिंदगी महसूस, क्योंकि लोग बर्गर गाने और अश्लील हरकतें करते हैं। आग्रह यही है कि जब आप चाहते हैं कि मेरे घर की बहू बेटी के साथ और लोग जो जैसा चाहे आप चाहते हैं, उसी तरह आप भी अन्य घरों के बहू बेटियों के साथ वैसा ही सम्मान करें। इसी के साथ आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामना। आपके
समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई।